बंगला बनेरा बंगला बने बाबूजी बहुत गर्मी है हाँ, जूस पियोगे गन्ने का है हाँ, पियेंगे गन्ने जूस। अरे मुन्ना ठाकुर ने शहर से दो मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है नहीं मूर्ख अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे वो दो लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। सच बताओ असलियत क्या है? सच सच बताता हूँ। दरअसल ये गन्ने क्यों नहीं के? हम गन्नों की नहीं उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियां? कौन लड़कियां? कैसी लड़कियां? कैसी लड़कियां? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियां। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे हैं। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक दूध वाले के साथ चक्कर, एक दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी दो टांग पर, जाता है अपनी एक टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी थी। पकड़ 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 दे 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 दे। आमने सामने रखना नहीं तो गोली मार दूंगा। रहता है साला। ठीका हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया, आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है, आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है ठीक है। आ गया आइडिया आ गया। क्या? हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेज देंगे और हम उनकर पीए बनकर जाएंगे। मतलब टांग कटेगी तो इनकी, दुकान बंद होगी तो इनकी, गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी, इमली के जाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले टमटम भाई क्या बात है, ग्रेट। चलो 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 बंदूक दो, चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों? अरे भाई तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पीए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे। क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ए ज्यादा आवाज नहीं करना वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किसान भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे। और अगर जाएंगे तो? थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले चलो। यस। यहां से पहुंच लो और जैसे ही मिस्टर खुराना के बेटे आएंगे उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत करना, समझे? और जरा सा भी नाटक किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भारत ससुराल आ गया। वाह ठाकुर साहब वाह, आपने भी क्या दामाद चुने हैं, सुंदर अति सुंदर। बाद अब्बा मुलाहिदा होशियार, दिल्ली के मंत्री श्री जगदीश खुराना के सुपुत्र श्री राजू खुराना और श्री किशन खुराना पधार रहे हैं। चले आओ मेरे शहजादो आओ। जिंदगी में आज तक मैंने सूरज निकलने का इतना इंतजार नहीं किया है जितना तुम्हारा आने का इंतजार किया है। आओ आओ, फूल डालो, फूल बरसाओ बरसाओ बरसाओ। आइए आओ बैठो बैठो बैठो। तुम्हें देखकर हमारी बेटियां ऐसे खुश हो रही हैं जैसे जन्मों से बिछड़े आज मिले हैं। ससुर जी रिश्ता तो उन्हीं के साथ जुड़ता है जिनके साथ जन्म जन्म का बंधन हो। सिर्फ इन्हें नहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम कब के बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। अरे भगवान तुम बोलती रहोगी या मेहमानों को कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? हाँ हाँ सब कुछ तैयार है मीना प्रीति, कुछ खिलाओ भी। आओ बेटी आओ आ जाओ। आओ
हेलो हेलो गजेंद्र। अरे बोलिए मिनिस्टर खुराना साहब, बोलिए। मेरे बेटे वहाँ पहुँच गए। अरे यार तूने भी कमाल कर दिया, इतने खूबसूरत लड़के कहाँ छुपा के रखे थे तूने? तू भी तो दो चांद छुपा कर बैठा था। अच्छा तेरी बेटियों को मेरे बेटे कैसे लगे? अरे मेरी दो बेटियाँ ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे तुम्हारे बेटों से न जाने कब की पहचान है उनकी। वाह वाह वाह, अरे भाई मेरी जिंदगी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे साले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेकिन मेरे साले का प्रॉब्लम कब सॉल्व करेगा? उसका भी इंतजाम कर दिया है, कल सुबह वो जेल से छूट जाएगा। तू आ और अपने साले को लेकर चला जा। एक मिनट, अरे भगवान कल तुम्हारा भाई जेल से छूट रहा है, शहर जाने की तैयारी करो। भगवान तेरा लाख लाख। देखो खुराना, लो अपने बेटों से बात कर लो। लो तुम बात करो। हेलो, तुम्हें अपने डैडी से बात नहीं करनी? अरे अपने डैडी से हम बहुत बात कर चुके, अब जो कुछ करना है आपके साथ करना है। क्या? मेरा मतलब है आपका दिल जीतना है, आपकी बेटियों का दिल जीतना है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ सब टकाटक है। बाय। देखो बेटे मैं जा रहा हूँ शहर अपने साले साहब को लाने के लिए, कल शाम तक वापस आऊंगा, तब तक यहीं रहना, अपना घर समझो, बेटे इनका ख्याल रखना। दादी अब हम इनका जिंदगी भर ख्याल रखने को तैयार हैं। बहुत अच्छे, चलिए 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 आइए। चल गाड़ी का। अबे वो कहाँ जा रहा है? कमरा देख ले। अबे तू तो नौकर है। चलो तबेले में जाके सो। तबेला ले बस आएंगे। विदाउट मशीन। हम तो नौकर है, नौकर तो तबेले में सोते हैं। कहाँ है तबेला? मारा? तुमने हमको मारा? मारा नहीं, जगाया। अच्छा तुम लोग यहाँ जासूसी करने आए हो या सोने? हमें खबर मिली है कि तुम्हारी मंगेतर अपने आशिकों से मिलने जा रही है। कब? क्यों? कहाँ? रात को 12 बजे। बारह बजे। तुम? हम। मतलब तुम दोनों ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया? बनाने की जरूरत है? क्या मतलब? नॉनसेंस पर्सन, तुम पैदाइशी बेवकूफ। डमडम, ये दोनों तो बड़े हरामी निकले। हमारी होने वाली मंगेतर के साथ हमारी आंखों के सामने रोमांस कर रहे हो और वो भी रोमांस में डांस। अरे छोड़ दे यार। बेवकूफो, हमें इनके असली आशिक हैं। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वापस दो ना, गोली मत चला। अब बोल, लाश करने के खेत में गिराऊं या इमली के पेड़? अबे मैं शमशान से यज्ञ करके निकला और ये गोली किसने चलाई? तुम दोनों नकली दूल्हे हो, असली दूल्हे तो हम हैं। पर तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? मैं अपने डैडी को बुलाऊंगा। डैडी गए विदेश टूर पे और तब तक तो हमारी शादी भी हो जाएगी। मैं 5 तक गिनूंगा, गांव छोड़ के चले जाओ वरना गोली चल जाएगी। सच में गोली मार दे? अरे ऐसे कैसे मार डालोगे? तो तो कहानी में ये मोड़ है। दीदी जीजाजी। आए थे बल्ले नवाज, बन गए भिखारी। बच गया, किसने देखा था? नहीं नहीं भैया, वो फटका है। भैया उन्होंने हमें धोखा दिया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ किया है। हाँ अब दोनों शादी भी कर लेंगे और सुहागरात भी मना लेंगे, प्रेग्नेंट भी कर देंगे।
और उनके बच्चों को हम पालेंगे। हम उन दोनों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देंगे। प्रेग्नेंट? ए गन्ना मास्टर, उठ उठ उठ, उठ। जूस पिलाता हूँ, चल आजा आजा आजा, मसाला मार के पिलाऊं, चल आजा आजा आजा, चिप चिप आजा भागो, आजा 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 आजा, चुप जाते इधर। भैया टिका टिका भैया जल्दी करना, अरे जल्दी भाग, निकल रही है लोग, अरे जा रही है। ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे घर में? ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल, मगर ठाकुर अंकल, आपकी दोनों बेटियों की शादी हम दोनों से होनी चाहिए ना, क्योंकि ठाकुर अंकल आपकी बेटियों के असली दुल्हन हैं। नालायक, तुम्हारी ये मजाल मेरे नौकर होकर मेरे दामाद बनने की सोच रहे हो? नौकर? हम नौकर नहीं है, हम मिनिस्टर के बेटे हैं, मिनिस्टर के। मैं डमडम, मैं डिगा डिगा। ठाकुर साहब, रंगे हाथों पकड़े गए तो बातें बना रहे। ठाकुर साहब, इनकी नीयत बिगड़ गई है आपकी बेटियों पर। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी भांजी की छोड़ूंगा नहीं, छोड़ देने, आजा इधर। हाँ हाँ मामा जी, इन्होंने हमारे कमरे में घुसकर हमने आपकी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है, लेकिन असली दुल्हन तो हम ही है ना, ये नहीं, ये तो नकली दुल्हन है ना। हम आपको साबित कर सकते हैं कि हम मिनिस्टर के बेटे हैं। हम हैं मिनिस्टर के बेटे, हम हैं मिनिस्टर के बेटे, हम हैं। क्या सुबह से तुम्हारे पास के मिस्टर खुराना के बेटे हो? तो मंगवाई हमारा बैग, उसमें हमारे माँ बाप की तस्वीर है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है मीना बेटी, जाओ बैग लेकर आओ। नहीं नहीं, हमारी बैग है, हम लेके आएंगे, है ना टीका टीका? हाँ डमडम, जा हमारा बैग ले आ। जाता हूँ और दिखाता हूँ। यही तुम्हारा बैग है? 100% हमारा बैग है। क्या यही तुम्हारे माँ बाप हैं? यही है। अच्छा, तो असलियत ये है, आप समझे? तो तुम इसकी औलाद हो? ये बार बार क्यों पूछते हैं आप? पक्का यही तुम्हारा बाप है? नहीं तो क्या इनका बाप है? हम दोनों का बाप है, लाइए। हरामजादो, खेत में हल जोतने वाले 2% के किसान का गंदा खून इस हवेली में। किसान? कौन किसान? हमारा बाप, 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 बाप तो मिनिस्टर है। बंद करे नौटंकी। जीजा जी, ये तो आपके पुराने दुश्मन के सपूत है जो आपसे बदला लेने आए हैं। काय का बदला यार? हाँ तब जी, ये लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, इस खानदान की इज्जत पे दाग लगाएंगे। जीजा जी, बड़े दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी, जेल में भी कोई नहीं मिला, मगर अब फिर मरेगा क्या? मामा जी, अब मारना नहीं यार, हमारा रे ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल, अंकल,
नहीं ठाकुर साहब, गोली मत चलाइए। हमने सुना है शादी ब्याह के अवसर पर आपके यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जिस दिन हमारा ब्याह होगा उस दिन आप इन दोनों की बलि चढ़ा देना। बिल्कुल ठीक कहा, इससे इनको सजा भी मिल जाएगी और देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आज आपकी हाथ की रेखाएं देखे बगैर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम क्या है। खंडहर के पास जो कुछ देखा सुना सब कुछ बता दूंगा। कौन राहु है, कौन केतु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, सब भेद खोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अबे पंडित, बात को रबर की तरह खींचो मत, जो कहना कह दे। कहना नहीं बतलाना है ठाकुर साहब कि आज शनि कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद तो फिर आपका मंगल ही मंगल है। जो पकना जल्दी पक। ठाकुर साहब, मैं चेहरा देखकर दिल की बात पकड़ लेता हूँ, छाया देखकर चोर पकड़ लेता हूँ, और आवाज सुनकर मोर पकड़ लेता हूँ। मैं पूरब से पकड़ता हूँ, पश्चिम से पकड़ता हूँ, उत्तर से पकड़ता हूँ। ये लो दक्षिण से पकड़ो। दक्षिण से भी पकड़ लिया ठाकुर साहब। और क्या पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है कि बच के नहीं जा सकते। क्या पकड़ा है वो तो बोल। ऐसा पकड़ा है कि पकड़ा। इसे क्या हो गया? मुझे लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता या चप्पल सुनाते या तो फिर इनके सड़े हुए मोजे की नाक में डाल देते। एक मिनट। गया। लगता है ये गया। चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करते हैं। बोल पंडित, तू क्या बोलना चाहता है? इसकी तो सीटी बच गई है। इसकी तो सीटी बच गई। इनकी सीटी के लिए इनको सिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए, सीटी का इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में ही होगा। चलो चुप। जीजा जी, अब मैं इन दोनों कार्टूनों का क्या करूं? इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो और शादी के दिन ही बाहर निकालो। जी ले जाओ। बहुत भारी है। क्या लो? ठाकुर साहब, ये दोनों राजू और किशन नकली दूल्हे हैं। असली दूल्हे यानी मिनिस्टर खुराना के बेटे वो हैं जो राजू किशन के नौकर बनकर आए हैं। ये राजू और किशन तो आपके दुश्मन सुरजीत के बेटे हैं, जो तुम्हारी बेटियों से इश्क करके तुम्हारे दामाद बनके तुमसे बदला लेने आए हैं। ठाकुर साहब, अकल के किवाड़ खोलो और राजू किशन से अपनी बेटियों को बचाओ, वरना खानदान की नाक कट जाए। हॉस्पिटल पहुंच के भी तुझे चैन नहीं पड़ा? लगता है शॉक ट्रीटमेंट कम पड़ गया। और देना पड़ेगा, इस बार शॉक ट्रीटमेंट नहीं, हॉट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सिस्टर। हमने अभी अभी आपको सिस्टर बुलाया जी। सारा हॉस्पिटल आपको सिस्टर बुलाता है जी। लेकिन ये आदमी आपको किन नजरों से देखता है आप जानती हैं? नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ देता हूँ, तू पढ़। ओ, अच्छा लिखते हैं आप। ओ माई डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना हूँ, तुम डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट क्यों नहीं करते? क्या है कि दिन में लोग जागते रहते हैं, रात को लोग सोते रहते हैं। ओ, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। अरे रे रे। मारो। देखिए क्या प्रेम पत्र लिखा है आपकी इस नर्स को। याओ, मारो इसे। Get up!
बाद। जब से तुम दोनों ने मेरी हवेली में कदम रखा है, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आई है। बस अब तुम दोनों मेरा साथ मत छोड़ना। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं ससुर जी, आपकी छाया आपको छोड़ सकती है लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। जीजाजी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। जीजाजी इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपकी, अगर इसमें से मुझे थोड़ी सी पार्टनरशिप मिल जाएगी तो। अपनी औकात में रहो अर्जुन सिंह। क्यों जीजाजी अरबों खरबों कमा रहे हैं, अगर इसमें से मुझे थोड़ा सा करोड़ दो करोड़ मिल गया तो इनका क्या काम हो जाएगा। खामोश। ये फैक्ट्री लगाने के लिए कितने करोड़ों का कर्जा लिया इन्होंने जानता है? इनकी हवेली तक गिरवी पड़ी है और आज तक तूने मुझे कौड़ी भी नहीं दी। क्या किया क्या है तूने मेरे लिए आज तक? क्या किया है? क्यों जीजाजी भूल गए? मैंने आपके कहने पे चार खून किए हैं और पूरे पूरे सवा दो साल जेल काट के आया हूँ। हाँ तो तू जेल में बिताए दो सवा दो साल की कीमत मांग रहा है नमक हराम। शर्म नहीं आती तुझे? अपने जीजाजी से ऐसी बातें करता है? चल माफी मांग इनसे, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी, मुझसे गलती। गलती नहीं, तुम्हारे मन के अंदर जो कपट था ना वो बाहर आया है। नहीं जीजाजी। खामोश, निकल यहाँ से, निकल। चल हट, चल गेट आउट, निकल। हुश, हुश, फुर, हट। साफ कर दीजिएगा बच्चे, हराम ज्यादा कमीने, तू अंधा है, तेरे बाप की सड़क है। माफ कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है, माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी को मारते हुए? ये साला हराम ज्यादा धरती का बोझ है, आज मैं इसका सर तोड़ दूंगा। राजू, अरे क्यों इन भिखारियों को मुंह लगा रहा है तू? ये लो पैसे और अपना इलाज करवाओ। अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो तुझ पे हाथ उठाने वाले को मैं उसी वक्त इस दुनिया से उठा देता। अब इतनी सी बात को दिल से क्या लगाना, दो तीन कतरे खून के ही तो बह है। लेकिन इस खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाने का समय आ गया है भाई साहब। मैं जानती हूँ तुम दोनों को दुख जरूर होगा। नहीं बुआ जी, इस दुनिया में जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। हाँ बुआ जी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है ना। कल उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन है लेकिन फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई साहब के खिलाफ साजिश रची, मैं तुम दोनों को गोलियों से छलनी कर दूंगा। शालिनी, तुम भी वही करोगे जो बरसों पहले तुम्हारे भाई साहब ने किया था। कल गजेंद्र ने तुम्हारा प्यार उजाड़ा था, आज तुम अपनी बेटियों का प्यार उजाड़ दोगे। पापा, आप ही की वजह से ना इनका घर बसा ना ये सुहागन बनी, विधवाओं की तरह जी रही है ये। अगर हमें हमारा प्यार ना मिला तो हम भी सुहागने नहीं बनेंगी, विधवाओं की तरह जिंदगी गुजार देंगे। क्या आप जिंदगी भर हमारी आंखों से निकले हुए आंसू देख सकेंगे?
क्या हमारी खुशियां छीनकर आप खुशी से रह सकेंगे पापा? मंजीत, मैंने कभी तुमसे अपने प्यार का हक नहीं मांगा, लेकिन इन बच्चों का प्यार मेरी झोली में डाल दो। लेकिन मैं अपने भाई साहब के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? विभीषण भी रावण का भाई था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक गलत आदमी का साथ दे रहा है, तो उसने भी रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया। अब फैसला आपके हाथ में, झूठ और सच की लड़ाई में आप किसके साथ हैं? इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं।